Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उर्मिन एंड वेलकम टू अनप्लग। दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत देश में जिस तरीके से कोने कोने में आपको अलग लैंग्वेजेस मिलते हैं, वैसे ही म्यूज़िक को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के हमारे खास मेहमान राजस्थान के मांगनेयार घराने से हैं और उनकी शान है, मैं कहूँगी कि दैट ही रिप्रेजेंट्स दिस ब्यूटिफुल घराना जहाँ म्यूज़िक हर जगह है। मामे खान जी, स्वागत है आपका खम्मा घणी। थैंक यू खम्मा घणी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। इट्स सो नाइस टू सी यू। एंड सबसे पहले, पहली बार मेरे इस अनप्लग्ड शो पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आई होप कि आप खा पी कर आए हैं, क्योंकि आज का ये सेशन जो है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है एंड मज़ेदार होने वाला है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इस खूबसूरत घराने से हैं आप, मांगनेयार घराने से हैं, कुछ बताएं आपकी शुरुआत कैसे हुई, म्यूज़िक का माहौल कैसा था घर पर? देखिए, मैं मांगनेयार घराने से हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम उस्ताद राणा खान साहब, और वो हमारे कम्युनिटी में बहुत ही बड़े सिंगर थे और उनके बहुत सारे शागिर्द भी हैं हमारे कम्युनिटी में। और मांगनेयार जो है एक म्यूज़िकल घराना है जो राजस्थान में रहते, जैसे राजस्थान में जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है, और जो संगीत है वो मतलब मोर देन 15-16 पीढ़ी से गाते हुए जीते हुए आ रहे हैं। और मैं अपने आप को एक लकी समझता हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने इस घराने में जन्म लिया। और संगीत की बात करते हैं तो हर तरफ, चारों तरफ संगीत का ही माहौल था एक्चुअली। अगर बहन कहीं मतलब घर की सफाई करे तो वो भी गुनगुना रही है, अगर माँ रोटी बना रही तो वो भी गुनगुना रही है, यू नो, तो एवरीवेयर में मतलब म्यूजिक का ही माहौल था। और जो मांगनेयार का बच्चा जो बड़ा होता है, वो म्यूजिक के माहौल में ही सराउंडेड एवरीवेयर, यू नो, म्यूजिक, तो म्यूजिक में ही बड़ा होता है। और जो एक तरह से हमारे खिलौने जो बोलते हैं, वो हमारे लिए हारमोनियम, कमायचा, ढोलक, ये हमारे एक तरह से खिलौने हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिकेट बैट, इंस्टेड ऑफ एनी, यू नो, फुटबॉल और वॉलीबॉल, यू नो, क्या बात है। और हम लोग जो हमारा म्यूजिक है वो ओरल है, ओरल ट्रेडिशनल है एक्चुअली, जो हम लोग सुनकर और देखकर सीखते हैं, कोई हमें किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ओए होए, क्या बात है, यानी कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी म्यूजिक है, वो सारे गमा पधनीसा है। तो आइए एक ऐसी शुरुआत करते हैं जहाँ राजस्थानी म्यूजिक की, मांगनेयार घराने की अगर हम बात करें तो इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती। और आपने नोटिस किया होगा, ये जो मैं भी अटायर में आ गई हूँ आपके साथ, तो फिर मैं राजस्थान में। अरे क्या बात है, तो हो जाए सुना जी। मैं जो सुना रहा हूँ एक्चुअली राजस्थान का ही राग है, राजस्थान की मिट्टी का राग जिसको हम बोलते हैं मांड, जो राजस्थान में मोस्टली ये राजस्थान से ही पैदा हुआ ये राग। तो उसमें एक गाना जो मैंने आप सुना होगा आप लोगों ने केसरिया वाले में, लेकिन उसको मैंने थोड़ा कन्वर्ट किया, वो अभी 2015 में रिकॉर्ड किया था और बहुत ही मतलब वो हर जगह वो गाते हैं। महादेव जी देश जी केसरिया बाल में ओसा, महादेव जी देश दे रंग रंगीलो, रंग रंगीलो रस बनो, हर प्यारो राजस्थान रे हवनी पधारो मार दे देश रे, हवनी पधारो मार देश, ओ केसरिया बाल में हो जुड़ी रा डोला, आवनी पधारो सा आवनी पधारो मार देश देश रे, आवनी पधारो मार देश। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है।
उफ, इसके इतने वर्जन्स हमने सुने हैं, लेकिन ये काफी खास रहा, बहुत बहुत खूब। ये मैंने 2015 में रिकॉर्ड किया था इसको, एंड इट वाज माय फर्स्ट एल्बम जो मतलब मैंने क्राउड फंड करके एल्बम बनाया था। एल्बम का नाम है डेजर्ट सेशंस, और उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था, एंड उसके बाद से तो बहुत ही मतलब ये लोग सुन रहे हैं। क्या बात है। स्पीकिंग अबाउट एल्बम, स्पीकिंग अबाउट अ न्यू सिंगल, हाल ही में आपने खुद कंपोज किया है, गाया है गाना जिसका नाम है दरारे दिल। जी जी। सबसे पहले तो मतलब ये महीना प्यार का है, फरवरी का है, और इसमें आप दिल में दरार ला रहे हैं, ये बताएं ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये तो आपने वो ये हसीन हादसा कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से ये एक सौगात है इस महीने के लिए, और बहुत ही मतलब प्यारा गाना है, मतलब स्मूथ है, एक्चुअली इसमें प्यार है, जिद है इस गाने में, इसमें सारे इमोशन आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले गाने का मतलब यही है कि जिससे आप प्यार करो उस पर जितना प्यार, अगर आप ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, बोलते हैं ना यार आई लव यू सो मच, यू नो, तो जो सो मच अगर करते हो प्यार, तो व्हाई यू कांट ट्रस्ट सो मच, तो ये इसका मैसेज है गाने का, कि जिसको जितना प्यार करते हो उतना ही उस पर ट्रस्ट करो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। डाउट, नो डाउट, नो जेलसी, तो मतलब ये मैसेज है इस गाने में। और दूसरा गाने के जो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जी जी, लिरिक्स जो लिखे हैं वो अंकित चार ने लिखे हैं नागौर से हैं, और इसको जो सजाया है अच्छे से, बहुत ही मतलब वेरी ब्यूटीफुली, समर्पित गोलानी ने, एंड इसमें जो जिन जिन कलाकारों ने काम किया, क्योंकि कोई भी काम एक बंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑलवेज टीम वर्क, यू नो, हमेशा टीम आपको वो, तो उसमें समर्पित गोलानी ने इसको अरेंज और प्रोग्रामिंग किया है, दिलशाद खान उन्होंने जो मेरे चौधरी में एंट्री दी, वही साहब उन्होंने इस गाने में भी बिल्कुल एंट्री वैसा ही एंट्री दिया है, दिलशाद भाई ने सारंगी बजाया, एंड सेल्डन डिसोजा उन्होंने बेस बजाया, एंड इसमें मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो भी बता रहा हूँ, वो है मेरा जो स्ट्रिंग का जो पार्ट है, जावड़ा जी उन्होंने किया है, तो मतलब कुल मिलाकर बहुत ही। और फिर इसके बाद में जो वीडियो की बात करते हैं, तो स्टार जो रोहन और उसने दिगंगना ने बहुत ही मतलब अमेजिंग काम किया है, गाने के जो शब्द है उस शब्दों को पूरा आप देख सकते हो कि जिस तरह से गाना आप सुन सकते हैं उस तरह से उस गाने को उन्होंने दिखाया है, यू नो, तो दैट्स नो। और ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप भूल गए, आपकी आवाज़ जो इतनी खूबसूरत साउंड कर रही है, और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने कहे, फिर भी आज हमारे साथ हारमोनियम है, तो क्या इसकी एक स्पेशल अनप्लग झलक हारमोनियम पर हमें सुनाई देगी? इनफैक्ट मैंने कंपोज मेरे इसी हारमोनियम पर किया। अच्छा जी, एग्जैक्टली डिटो इसी हारमोनियम पर मैंने कंपोज किया है, और मैं डेफिनेटली आपको सब सुनाना चाहता हूँ जी। हाँ? प्लीज। रूठ गया मुझसे मेरा यार, किसको बताऊं ये दिल का हाल, रूठ गया मुझसे मेरा यार, किसी को बताऊं ये दिल का हाल, तुझको यकीन रहा नहीं मुझ पर, कैसी आई ये दिल में दरारी दिल, दरारी दिल, दरारी दिल, दरारी दिल, दरारी दिल, दरारी वाह 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 वाह। आई लव द फैक्ट दैट इतने बढ़िया अरेंजमेंट्स के साथ साथ जो आपने अपनी फील रखी है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वही चीज मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से मैं मतलब जब से बॉलीवुड में गाने लगा हूँ, जब से मैं गाने लगा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि फोक में ही जान है। सी, म्यूजिक जो पहला म्यूजिक जो बना है ना वो फोक म्यूजिक, बिल्कुल फोक म्यूजिक, फ्रॉम पीपल फॉर पीपल, ट्रू, वेरी ट्रू। का मतलब लोक, लोकप्रिय, लोकप्रिय,
सो बस क्या बात है। वैसे बॉलीवुड में जब जब आपने जो गाने गाए हैं वो ऐसे लगता है कि आपके लिए बनाए हुए हैं, चाहे वो बावरा हो फ्रॉम लक बाय चांस या फिर वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट एल्बम एंड दिस आई थिंक इज एन अंडररेटेड एल्बम, अगर आपने इसके गाने नहीं सुने हैं, शंकर एहसान लॉय का ये एल्बम है कॉल्ड मिर्ज़िया एंड इसका एक गाना है आवेरे हिचकी। पहले मैं तो हिचकी कैसे आती है अवेरे हिचकी रे निद्रा में किसने याद कियो रे जगा में सारी रेणारे पलैया सूखी की करी सूखा भीतर सूखा रे आवेरे हिचकी रे हिच ओहो अगेन क्या कॉम्पोजिशन है बहुत ही मजेदार कंपोजिशन है और आई एम रियली मैं मुझे मतलब एक अपने आप में मतलब एक बहुत खुशी होती है, एक प्राउड फील करता हूँ कि शंकर जी के साथ में लक बाय चांस से लेकर अभी तक का सफर बहुत ही अच्छा चल रहा है। और एक और सफर जो बड़ा स्पेशल रहा है आपका वो है कोक स्टूडियो के साथ एंड आई थिंक अमित त्रिवेदी कोक स्टूडियो एंड अ ट्रैक कॉल्ड बद्री बदरिया, बताएं कुछ इस गाने के बारे में, हमें कुछ बताइए। ये गाना 2012 में हमने रिकॉर्ड किया था, शूट भी किया था एंड कोक स्टूडियो सीजन 2 का है। दोनों गाने बड़े मजेदार लिखे उन्होंने और दोनों गानों में अलग अलग इमोशन है, चौधरी अलग है तो ये अलग है। इसमें जो मेरा पार्ट आता ना है सावन की सावरी पिया मन बावरी पीहू पिया रे फिरे रे सारा रस बरसे तुर गया तर गया मोरा रसिया सावन की सावरी पिया मन बावरी पीहू पिया रे फिरे रे बदरी बदरिया गिरी रे कजरी कजरिया गिरी रे। वाह 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 मामे खान जी, टुडे ऑन अनप्लग्ड विथ मी आरजे उर्मिन एंड मामे खान जी, हमने शुरुआती तौर पर आपसे बात की अबाउट दिस ब्यूटीफुल घराना मांगने आर जिसके हम सभी फैंस हैं, तो इस घराने की अब कोई अगर स्पेशल पेशकश हो जो आप हमें पहले समझाना चाहेंगे, कौन सा गाना आप हमें सुनाना चाहते हैं? जी वी वुड लव टू लिसन टू इट। वैसे तो मतलब बहुत सारे गाने मैंने रीअरेंज करके गाए हैं, इसमें अगर क्लासिकल की बात करें तो सेमी क्लासिकल की बात करें तो झांगड़ा से लेकर, लेकिन जो फोक पॉपुलर गाने हैं बहुत सारी फिल्मों में भी आए हैं, निमुड़ा से लेकर होलिया मुंडेर गुलाल लेता जय जो बन्ना रे पल्लो लटके, ये पूरे मांगने कम्युनिटी के गाने हैं ना, और बहुत सारे गाने की मेलोडी भी आई है एक्चुअली। तो मैं अभी आपको एक गाना सुना रहा हूँ जिसका नाम है बोले तो मीठो लागे हंसे तो प्यारो लागे, मेरे पे बनाया गाना एकदम सेम, हम आरजेस पे बनाया हुआ है। तो मीठो लागे हंसे तो प्यारो लागे सावरी सूरत जीड़ो जानेड़ो मारो बिठड़ो सुए मारे आंगने। वाह 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 वाह। तो ये आई एम गोना वो थोड़ा आपको दो लाइन सुना था ना, हंसे तो प्यारो लागे बोले तो मीठो लागे हंसे तो प्यारो लागे बोले तो मीठो लागे हंसे तो प्यारो लागे बिठोड़ो सुवे मरे आंगणे बिठोड़ो सुवे मरे आंगणे सावरी सूरत जीरो जानीरो मारो सावरी सूरत जीरो जानीरो मारो बिठड़ो सुवे मरे आंगणे फुले तो मिठो लगे हंसे तो प्यारो लगे फुले
तुम मीठो लग घर पर बचपन से ही माहौल रहा है, आपने कहा कि खेल खिलौने जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स रहे, पर अब मामी खान जी आप पर्टिकुलरली किस तरीके का गाना सुनना पसंद करते हैं? व्हाट आर योर फेवरेट सॉन्ग्स जो आपके प्लेलिस्ट में डेफिनेटली रहता है? डेफिनेटली जो गाने लता जी के हैं, मोहम्मद रफी साहब के हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब के हैं, अभी फिलहाल मैं अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो शंकर जी है, सोनू जी है, राज जी है, इनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ मैं। एंड क्योंकि ये जो भी गाने गाते हैं मतलब सब लोग अच्छे गाते हैं, मुझे इनके गाने अच्छे लगते हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने फैंस हैं तो। और बाकी मेरे कम्युनिटी में अगर मैं सुनता हूँ, मेरे वालिद साहब को सुनता हूँ। एंड या और आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से मामी खान जी हर बार अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे? प्लान यही है जो लोक संगीत जिसको पहले बोलते थे कि ये लाइक ए डाइंग आर्ट, वो तो मैंने मतलब धीरे 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 मेरा मतलब बिल्कुल, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। एंड आप कर भी रहे हैं? कर रहा हूँ मैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि आज जो ऑडियंस है एक्चुअली, जो यंग है एक्चुअली, आप देखो कि मेरे जो फैन फॉलोइंग है वो भी यंग लोग हैं जो मेरे फोक म्यूजिक को ज़्यादा सुनते हैं एक्चुअली। एंड कोई भी गाना ले लूँ उसमें फोक की छाप तो छोड़ दूँ। कैन इमेजिन इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स किए, तो मैं आई वाज यू नो एक्सपेक्टिंग कि दे विल आस्क मी अबाउट माय एनी बॉलीवुड हिट और बॉलीवुड गानों के लिए, बट मैं जब वहाँ जाता हूँ तो दे चेयर फॉर बिचूड़ा, और दे चेयर फॉर बोले तो मुटला, और दे चेयर फॉर चौधरी, और दे चेयर फॉर यू नो कैसरिया बालम, तो उसमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वी आर ऑल रेडी टू चेयर फॉर चौधरी, राइट एवरीबॉडी? या चलो वी आर चेयरिंग फॉर चौधरी, चलो लेट्स चेयर चौधरी। इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अमित त्रिवेदी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा गाना मुझे दिया, मुझसे गवाया। एंड इस गाने की स्पेशलिटी एक ये है कि गाना जो एक्चुअली जो इसके लिरिक्स जो है वो शैली पाजी ने लिखे हैं, पंजाब से हैं, और कंपोज करने वाला गुजराती है अमित त्रिवेदी जी, एंड गाने वाला राजस्थानी सामने बैठा हूँ आपके, एंड जो शूट हुआ है वो आमची मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो यू नो चार स्टेट मतलब पूरा हिंदुस्तान क्या बात इस गाने में है, नो वंडर व्हाई इतना प्यार है इस गाने में। एंड गुस्ताखी माफ, इसे गाने सुनते हुए मैं थोड़ा नाचना चाहती हूँ। चलिए चलिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मोहर लिया तूने ऐसा खिला दाम खावे हिचकोले, भारे मन की नाप थारी सरारत सब जानू मैं चौधरी, भारे सले वो निपंगा जी मैं कह लगी, हमारे जीवड़ में जागी ठोकरी चंदन तारी चांदनी दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 वो लुक छुपना जावो जी ओमण दीद करावो जी, अरे क्यों तरसावे हो ओमण सकल दिखावो जी, तारी जरा और सब जानू मैं चौधरी, अरे चले वो निपंगा जी मैं कह लगी, ओमर हिबड़े में जागी ठोकर चंदम तारी चांदनी दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम। वाह 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 मामी खान जी हमारे साथ ऑन अनप्लग्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में बहुत बहुत मजा आया। मैं आपके गानों में इतनी खो गई कि आपको बता दूं मेरी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी यहाँ, जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए बोलते हैं पगड़ी हमारी शान है, पगड़ी शान रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नौबत नहीं आएगी, ये जीता जागता उदाहरण बोले एग्जाम्पल है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारे राजस्थानियों की पगड़ी शान है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हियर फ्रॉम द फीवर फैमिली।